बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नीट पुलिस के जो ट्रेनिंग फैसिलिटी है इसका दौरा किया और यहाँ की फैसिलिटी को भी देखा, यहाँ पे होने वाली ट्रेनिंग का भी हमने डेमो देखा। और मैं समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का ये एक बहुत ही काबिल तारीफ इकदाम है, जहाँ ये सेंटर कायम किया गया है और इसमें जिन पुलिस एहलकारों को तरबियत दी जा रही है, ये सूबे में दहशतगर्दी और रियासत के ख़िलाफ़ जो जराइम पेशा नासिर, ख़ास तौर पर टेररिज्म दहशतगर्दी के हवाले से जो लोग मुलविस होते हैं, उनको उनके सद्देबाब के लिए खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का एक बहुत ज़बरदस्त जो है इनिशिएटिव है। और यहाँ पर हमने देखा कि बहुत अच्छी आला मेयार की तरबियत दी जाती है, जो मैं समझता हूँ बैन अल-अक़वामी मेयार की तरबियत है। ज़बरदस्त किस्म की जो फैसिलिटी है उसमें खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस डिपार्टमेंट का जो एक किरदार है वो भी मैं ये समझता हूँ कि बहुत काबिल तारीफ़ है। कमांडेंट साहब यहाँ मौजूद हैं, फ़खर साहब से भी यहाँ मुलाकात हुई, प्रिंसिपल साहब यासर अफरीदी साहब से और इनके बाकी स्टाफ से भी यहाँ मुलाकात हुई। ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त एक खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आज मुझे यहाँ विज़िट करके बहुत खुशी इस बात की भी हुई और इस बात की तसली हुई कि हमारी हिफाजत, हमारी दिफा बहुत ही केपेबल हाथों में है। और हर रोज़ यहाँ से जो तरबियत लेकर जो लोग निकल रहे हैं, ये इंशाल्लाह इस खित्ते के, सूबे के और इस मुल्क के अवाम की खिदमत करेंगे और बेहतरीन अंदाज में करेंगे। एलीट फोर्स की यादगार शुहदा है, वहाँ पर भी हम गए, दुआ पढ़ी उन शुहदा की रूहों के इसाले सवाब के लिए जिन्होंने अपने फ़र्ज़ की अदायगी में जाने कुर्बान की। 26 के करीब वहाँ नाम थे और मेरी अल्लाह से ये दिल से दुआ है कि ये 26 नाम 26 ही रहें, इनमें मज़ीद इजाफा ना होने पाए। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि हमारी आवाम का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी पुलिस की कुर्बानियों को जहन में रखें, याद रखें, इनकी कदर करें। ये वही लोग हैं जो आपके लिए अपने सीने पे गोलियां खाते हैं, तो इनकी कदर करें, क्योंकि जो कौमें अपने लिए कुर्बानी देने वालों की कदर नहीं करती तो उनको फिर याद भी कोई नहीं करता। तो इसलिए मैं अपनी आवाम से भी ये गुजारिश करूँगा कि वो ना सिर्फ इस जंग में अपना रोल प्ले करें दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़, बल्कि उन लोगों की कदर भी करें जो इस जंग में पाकिस्तानी अवाम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने सीने जो हैं वो उनकी हिफाजत के लिए ऑफर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।